महिला परिवारों को नए साल से गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी 2024 से गैस सिलेंडर सस्ता मिलने लगेगा। तो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ये कोशिशें की जा रही हैं कि बीजेपी जो वादे करके सत्ता में आई है उन तमाम वादों को पूरा किया जाए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां पर उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी है उन्हें नए साल से महज 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये वादा बीजेपी ने किया था विधानसभा चुनाव में, मैनिफेस्टो में भी इसे जारी किया गया था, इस पर बड़ा ऐलान किया गया था। और अब वादे पूरे करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक एक कर कई बड़े ऐलान भी उनकी ओर से किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से गैस के सिलेंडर के दामों में इजाफा हो रहा था, इस बीच बड़ी राहत की खबर सामने आई है। उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना के जो लाभार्थी हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है और जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उन्हें नए साल से सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये बड़ा ऐलान दिया है और नए साल पर महिलाओं को सबसे बड़ा तोहफा भी दिया है। उज्ज्वला एवं अन्न परिवार की महिलाओं को 9 वर्ष से आने वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा भेंट की जाएगी और ये लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। आज मैं आपके बीच में ये पूरे राजस्थान के अंदर उन सभी बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और उसकी पूरी हस्तांतरित आपके खातों में की जाएगी।